हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये देखिए आप, फूलों से लदा हुआ पूरा वृक्ष, वाइट फ्लावर से आड़ू का वृक्ष है। और सामने ये हमारा घर और मेरी मॉर्निंग ड्यूटी इसको घुमाने की। अर्ली मॉर्निंग, मीट कोको। ये सामने जो घर है ये रोहित ओरो का घर है। और ये देख सकते हैं आप, हमारे घर का रास्ता, घर से ऊपर जाता हुआ रास्ता। और वो हमारे घर पे भी ये वाइट वाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, ये खुबानी है। आगे मैं आपको ले चलता हूँ। ये हमारे पंदेर, ये गांव में इसी टाइप के पंदेरे होते हैं, यहीं से लोग सब पानी भरते हैं। वैसे तो घर घर में आप पहुंच चुका है पानी, पर फिर भी यहाँ पे पहले पुराने ज़माने में ही पंदेर होते थे। देखिए दीपू भाई ने क्या मेहनत की हुई है, गेहूँ के लहलहाते खेत, और उन्होंने तारवाड़ भी की हुई है अच्छे से, ये देखिए, ताकि सुअर बंदर अंदर ना घुस पाए। और मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, उन्होंने अपने घर पे भी बहुत अच्छे से देखिए तार वार पूरा किया हुआ है, ये पूरा उनका ही है नीचे इधर, तो उन्होंने आगे भी अच्छे से कैरी वगैरह प्रोटेक्ट की हुई है अपनी। सो गाइज, आजकल यहाँ पे जो टेम्परेचर है, मेरी लीप का सेकंड है आज, और टेम्परेचर जो है यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस है, दिल्ली के कंपेरिजन लगभग 10 डिग्री कम है। और सूर्यदेव के दर्शन हो गए हैं, ओम सूर्य नमः, और इसीलिए मैं और कोको आ चुके हैं। चलो आ कोको। ये है अल्मोड़ा पहाड़ में, वैसे तो इसकी कोई कीमत नहीं है, ये आप देख सकते हैं, पर ये काफ़ी काम की औषधि है, कहीं पे आपके अगर चोट वगैरह लग जाए, ये बहुत आयत में है यहाँ पे वैसे, और चोट लग जाए या फिर आपको झाड़ू बनाना हो तो इसका उपयोग किया जाता था। अब तो पुराने ज़माने की औषधि थी, अब तो ऐसा कुछ नहीं आता। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, एक्चुअली एक हाथ पे मेरी चेन है, कोको है मेरे पास, और हालत काफ़ी बुरी है अभी क्योंकि सुबह सुबह उठे हैं और जस्ट अपने बेसिक काम फिनिश किए हैं और इसको ले आया हूँ मैं। तो अभी सुबह मॉर्निंग में टाइम हो रहा है लगभग 7:15 के आसपास हो रहा होगा अभी यह टेम्परेचर। और यहाँ पे मैं इसको लेके जाऊँगा कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की वॉक करके आएंगे मैं और कोको। हमारा यही रूटीन था जब भी मैं गांव में था पहले, तो मेरे कोको ऐसी सी मॉर्निंग पे जाया करते। अभी हम करने वाले हैं कटिंग। बहुत बड़े हैं बाल, अभी थोड़ी देर में देखना आप रिजल्ट। ये हमने फाइनली कटिंग समाप्त। What?
있어. गाइस गुड मॉर्निंग सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है होली का दिन, तो आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि ये होली का त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आप अच्छे से मनाएं हर्षोल्लास से। सो आज कल और आज में हमने क्या किया, कल लास्ट डे था होली के गीतों का, होली का दहन था कल। तो कल हमने भी गांव के बच्चों के साथ शामिल होके थोड़े बहुत जो है होली के गीत गाए, और काफ़ी मज़ा आया काफ़ी दिनों बाद। और आज होली खेली जाएगी, उसका वीडियो शायद बन पाए शायद ना बन पाए, आई एम नॉट श्योर। सो अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, ये देखिए आप सूर्यदेव पीछे पेड़ के पीछे से आ चुके हैं, तो आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया कोको को खाने के लिए। तो ये है कोको, कोको को भी मैं दिखा दूँ आपको। कोको बहुत तेज़ी में है, उसने कोई तो स्मेल उसकी नाक में गई है जो उसको एकदम बेचैन कर रही है। और अभी के लिए तो वो गांव की सुबह की सबसे अच्छी बात है, एकदम अगर मैं शांत रहूं तो चिड़ियों की चहचहाट जगह जगह से, एकदम शांत कूल काम वातावरण एकदम। और टेम्परेचर भी डाउन है यहाँ पे, तो इस वजह से जो है ज़्यादा परेशानी कुछ नहीं हो रही है, मज़ा ही आ रहा है इनफैक्ट। और गाइस होली का दिन है और अब बच रहे हैं 5, होली सब समाप्त हो चुकी है। अभी तक हमने होली के लिए खूब खूब होली के लिए बल्कि, और मज़ा आ गया जिसे कहते हैं। और होली पहले बड़ी सोबर रही, पहले हमने गुलाल से होली खेली, थोड़ी देर बाद पानी की होली शुरू हुई, पक्के रंगों की होली शुरू हुई, और उसके बाद वही अपने गांव के जाने पहचाने अंदाज में होली खेली गई, गोबर कीचड़ और राख के पेट से। तो उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आ गया, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि केमिकल से ये ज़्यादा सेफ होती है, क्योंकि इसमें देखिए गोबर लगेगा, ठीक है थोड़ी स्मेल तो मारेगा पर ठीक है नहा के धुल जाएगा। और कलर्स जो होते हैं ये देखिए मेरे हाथों के अभी भी नाखूनों के किनारे, अभी तक ये कलर्स गए नहीं है, ये पक्के कलर्स होते हैं। तो एक तरीके से ये गोबर मिट्टी वाली होली ठीक थी, ज़्यादा मज़ा आया इसमें, पूरे गांव ने मिलके खेली होली, बड़ा मज़ा आया। तो गांव का एक अपना अलग ही अंदाज होता है होली का, किसी भी फेस्टिवल का मैं तो ये कहूँगा। और मज़ा आ गया, इस बार मेरे दोस्त भी आए हुए थे, तो अब एक और दिन कल का और फिर परसों की वापसी ले लेगी। सो गाइस अभी मुझे बताना आपकी होली कैसी रही, तब तक के लिए बाय बाय। कल उम्मीद करता हूँ एक और नया ब्लॉग लेके आऊँगा आपके लिए, कुछ उसमें नया कुछ इंटरेस्टिंग, तब तक के लिए बाय बाय।